अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केस किचन। आज एक नई रेसिपी बना रहे हैं, चिकन तंदूरी मलाई बोटी। इसके लिए हमने 3 मुर्गियाँ ली हैं, जिनके 12 पीसीस करवा लिए हैं, 12-12 पीसीस करवा लिए हैं। और इसके लिए हमने लिया है यह किसी भी ब्रांड का, ये हमने तंदूरी मसाला लिया है। और इसके ये 3 टेबलस्पून है, और ये 1 टेबलस्पून ये टिक्का मसाला है। इसमें घर का पिसा हुआ जाएगा 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये 2 लेमन का रस है, ये 4 जो है ग्रीन चिलीज का पेस्ट है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें 1 बड़ा लहसुन है और 1 ही बड़ा टुकड़ा अदरक का है जिसको फाइन पेस्ट बना लिया है। ये 2 छोटी मीडियम प्याज हैं जिनका हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। ये 1 पैकेट क्रीम है, ये 1 टेबलस्पून नमक है, ये 1/2 प्याली सिरका है, 1/2 प्याली ऑयल है। सबसे पहले हम अपने चिकन को सिरका और नमक लगाकर छोड़ देंगे 10 से 20 मिनट के लिए। बाकी नेक्स्ट आपको बताते हैं कि क्या करें। जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बड़ी डिश में चिकन को निकाल लिया है, उसमें ये 1/2 प्याली में सिरका स्प्रेड कर दूँगी अच्छी तरह से, और इसको नमक को भी फिला इसको अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे, और इसे हम 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। और इसको जो है अच्छी तरह से लगाकर 20 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे, और फिर इसको दोबारा से इस पॉट में से निकालकर दोबारा से जो इसका पानी निकला होगा वो हम साफ़ कर देंगे और बाकी मसाला जार लगाएंगे। नेक्स्ट आपको फिर बताते हैं क्या करना है। जी, नेक्स्ट ये हमने जो सिरका और नमक लगाया था उसका सारा जो पानी निकला वो हमने ड्रेन कर दिया है। अब इसको दोबारा से हम अपने बर्तन में डालेंगे। और सबसे पहले इसको हम ये खुश जो मसाला है वो अच्छे से लगा देंगे इस तरह लेकर, इनके अंदर अच्छा सा रब करेंगे। और इसे 5-1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और बाकी फिर अच्छी तरह से रब करके फिर बाकी चीज़ें इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से ये 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट और ऑयल वगैरह लगाएंगे। सबसे पहले ये हम प्याज के पेस्ट लगा देंगे, लहसुन अदरक की पेस्ट चलेगी, ये हरी मिर्चों की पेस्ट चलेगी, ये लेमन का रस चला गया, और ये ऑयल चला गया। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद में हम 5-10 मिनट के हम इसके अंदर क्रीम और गरम मसाला वगैरह ऐड कर देंगे। ये अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इसमें अब हम क्रीम को ऐड करेंगे। और इसमें गरम मसाला और काली मिर्च डाल लेंगे, और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैरिनेट होने के लिए हम 3 घंटों के लिए छोड़ देंगे, और फिर कोयलों पर इनको हम बनाएंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह से प्रॉपरली मिक्स हो गया है। इसको हम मैरिनेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। इस स्टेज पे आप इसमें नमक चख लें, अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें परफेक्ट होंगी इंशाल्लाह ताला, और इसे हम आपको कोयलों पे बनाकर दिखाते हैं।